यो नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे, क्योंकि एम्स नॉर्सेट 5 का यहाँ पर फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट जारी हो चुका है और सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बात अब यह है कि इसमें जो सभी कैंडिडेट्स हैं वो फाइनल का एग्ज़ाम देंगे और कितने परसेंटल वाले यहाँ पर रहेंगे, दोस्तों वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई। इसमें दोस्तों स्पेशली जो बताया गया है, इसमें आपकी कैटेगरी है और आपका रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे आप अंदाज लगा सकते हो दोस्तों, और यहाँ पर आपकी परसेंटाइल दिए हुए हैं दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर मार्क्स आए हुए हैं लोगों के, बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ में यहाँ पर देखने को मिला है। और जो कट ऑफ आपकी रहेगी दोस्तों, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, 22/2023 को ये जो है आपका रिजल्ट जारी हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, आप देख लीजिए, लिस्ट वाइज रोल नंबर वाइज लिस्ट है। इसमें जो नॉर्सेट फर्स्ट का जो दिया गया है, एप्लीकेशन कॉज ऑन पैटर्न स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पब्लिश एडवर्टाइजमेंट नोटिस मेंशन अबव फॉलोइंग कैंडिडेट आर डिक्लेयर प्रोविजनली क्वालिफाई, ठीक है। नॉर्सेट 5 स्टेज सेकेंड विल बी हेल्ड ऑन 7 अक्टूबर। तो दोस्तों 7 अक्टूबर के लिए आप सबसे पहले तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपका प्रोविजनल है। ये मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका 7 अक्टूबर को होगा, उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका रिजल्ट आ चुका है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अच्छी मेहनत की और उनको उनकी मेहनत का फल यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो दोस्तों सभी को फिर से एक बार बधाई। इसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, सर्च बार का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। इसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हैं और जो टर्म एंड कंडीशंस हैं यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। परसेंटाइल सारी जानकारी है इसमें, ठीक है। परसेंटाइल देख लीजिए, इसमें जो आपका EWS का है कितना गया है, OBC का कितना गया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं। देखिए जो रोल नंबर है, कैटेगरी है, कैटेगरी है EWS SC OBC की है, और परसेंटाइल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कितना कितना गया है दोस्तों, यहाँ पर आप सब लोग अच्छे से देख सकते हैं। और एलोटेड कैंडिडेट्स जो हैं शिफ्ट फर्स्ट में कितने थे, शिफ्ट टू में, और टोटल कितने हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अंदाज लगा सकते हो कितने कैंडिडेट्स टोटल यहाँ पर थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। अब कट ऑफ जो परसेंटाइल ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर नॉर्सेट 5 स्टेज सेकंड मेंशन ब्लू, तो यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। UR की कितनी थी, तो कट ऑफ PWD की अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से EWS की कितनी है, OBC की कितनी है, SC ST कितनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप इसको देख लीजिए। ऑल कैंडिडेट प्रोविजनली क्वालिफाई फॉर स्टेज सेकंड, ओके। मैंडेटरी रिक्वायर टू मेक सिटी चॉइस इन द पोर्टल थ्रू माई पेज फ्रॉम 23/9/2023 से 25/9/2023 तक। 23 से 25 के बीच में आपके लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपको एग्जाम कहाँ देना है, शाम के 5 बजे तक। एम्स रिजर्व द राइट टू एलोकेट एनी एग्जामिनेशन सेंटर इरेस्पेक्टिव ऑफ चॉइस ऑफ सिटी मेड। ऑल कैंडिडेट सेल रिमेन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयार रहेंगे दोस्तों। एडमिट कार्ड फॉर स्टेज सेकंड विल बी डिक्लेयर, यानी कि रिलीज हो जाएंगे 4 अक्टूबर को, ठीक है। 7 को आपको पेपर है। स्टेट सिटी एग्जामिनेशन बिल भी आपको उसके ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्सेट 5 का जो एग्जाम होने वाला दोस्तों, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट एलोकेशन इफ डिक्लेयर सक्सेसफुल माई पेज 26 से 30 सितंबर तक 5 फिलिंग द एडमिट कार्ड विल नॉट बी इश्यू एंड कैंडिडेट फॉर फर्दर एग्जामिनेशन एलोकेशन फॉर नॉर्सेट 5 मे बी कैंसिल। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों वो मैंने आपको बता दी है। और आप यहाँ पर टोटल जो कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ थी, जो कितने एम्स में कितनी वैकेंसियाँ थी, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये जानकारी है और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नए कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि सर दोस्तों सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों खुश होंगे, सभी को फिर से एक बार बधाई, शुभकामनाएँ और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेन एग्ज़ाम दोस्तों आपका 7 अक्टूबर का रहेगा, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल मिले। चलिए धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा आपके, बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।